असलम डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानती हैं कि हम डेल्टन का एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जो उन्होंने 2013 में लिखा था और आर्टिकल का नाम है इंगेजिंग चिल्ड्रन इन क्लोज रीडिंग मल्टी मॉडल कमेंट्रीज एंड एलस्ट्रेशन मिक्स अब पहले तो हमने ये देखा कि डेल्टन ने अपने स्टूडेंट्स को कैसे गाइड किया कि वो एक स्टडी करें बच्चों के साथ और उन्हें का सिंपल सी कहानी सुनाएं या किसी कोटेशन पर डिस्कस करें और उस कहानी को वो कंप्यूटर पर पावर पॉइंट की आ, जो गैजेट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनके साथ हाइपर लिंक्स बनाए एलस्ट्रेशन पे कमेंट्रीज लें और बैलून्स uh, बनाएँ और वॉइस बैलूस बनाएँ जिससे पता चले कि बच्चे के क्या आइडियाज़ हैं और बच्चे टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लोज रीडिंग की तरफ आएँ टेक्स को uh, थोड़े इंट्रिकेट तरीके से पढ़ना सीखें उन चीज़ों को भी जानना सीखें जो टैक्स के अंदर डायरेक्टली मौजूद नहीं है या इलास्ट्रेशन के अंदर मौजूद हैं अब, अब हमारे पास डेल्टन की अपनी एक्टिविटी है और डेल्टन हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें एक्चुअली प्रप्रेशन करनी चाहिए सो so, उन्होंने जो भी एक्टिविटी अपने स्टूडेंट्स के साथ की आ, वो एक्टिविटी आपके सामने है डेल्टन ने जो इस कहानी इस्तेमाल की है उस कहानी का नाम है द लाइन एंड द माउस जो कि हम सब ने पढ़ी हुई है शेर और चूहा और कहानी के बारे में सब जानते हैं कि ये इस ऑफ फेबल्स है इसके अंदर बहुत सी फेबल्स हैं फेबल्स वो कहानियाँ हैं जिसके अंदर एनिमल्स को जो है ह्यूमन करैक्टर्स जो है वो दिए जाते हैं ये मॉरल स्टोरीज़ होती हैं और सबसे बड़ा करेक्टरस्टिक जो है फेबल्स का वो बहुत छोटी होती हैं दे आर शॉर्ट स्टोरीज इसलिए बच्चों के साथ और उसके ऊपर एक्टिविटी डिवेलप करना और क्लोज़ रीडिंग की एक्टिविटी मल्टी मॉडल्स के साथ डिवेल्प करना और कंप्यूटर uh, की गैजेट्स के साथ डिवेलप करना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और आसान स्टार्टअप uh, भी हो सकता है अब uh, जो लाइन एंड द किंग है ये एक्चुअली आपको फ्री अवेलेबल है ऑनलाइन और आपको ना सिर्फ कहानी का टेक्स्ट अवेलेबल है आप बल्कि इसकी बहुत सी रजिस्ट्रेशन जो हैं वो भी आपको अवेलेबल है इंटरेस्टिंगली uh, ये कहानी आपको उर्दू में भी मिल जाएगी इंटरनेट uh, के ऊपर और इंग्लिश में भी मिल जाएगी तो सबसे से इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आती है वो ये आती है कि जो भी आप कहानी चूज़ करने जा रहे हैं अगर तो बहुत छोटे बच्चे हैं इट इज़ गुड कि वो पिक्चर बुक हो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब हमारे पास पिक्चर बुक होती भी हैं और अगर हम उन्हें डायरेक्टली बच्चों के साथ पढ़ा रहे होते हैं या रीड अलाउड कर रहे होते हैं और बच्चे पढ़ रहे होते हैं हमारे साथ तो हम उन पिक्चर्स बुक के अंदर एलस्ट्रेशन को डिस्कस नहीं करते या टेक्स्ट को पढ़ने में उसकी मीनिंग मेकिंग में उसकी अंडरस्टैंडिंग में जो तस्वीर होती हैं एलिस्ट्रेशन होती हैं हम उनको एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं जब आप कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आप हाइपर लेंक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आप मल्टी मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें आपके लिए एक आसानी ये हो जाती है कि आप उन तस्वीर को स्कैन कर सकते हैं स्कैन करने के बाद डेफिनेटली उसको अपलोड कर सकते हैं उसकी फाइल्स बना सकते हैं और उसको हाइपर लेंक्स बना सकते हैं और बच्चों को जहाँ उन्होंने आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और स्लाइड्स में उन कहानियों को पढ़ना होता है वो वाइपर लेंक पे क्लिक uh, करके इन अलस्ट्रेशन को डीपली जाके स्टडी कर सकते हैं देख सकते हैं इन पर कॉमेंट्स कर सकते हैं और ना सिर्फ आप ये अलस्ट्रेशन किताब से स्कैन कर सकते हैं बल्कि इंटरनेट की भी मल्टीपल सोर्स से डिफरेंट ग्राफिक्स ले सकते हैं और उनको भी इंसर्ट कर सकते हैं तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अच्छी चीज़ मौजूद होती है जब हम गैजट्स uh, को इस्तेमाल कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर अब डेल्ट ने बताया है कि मल्टी मॉडल हाइपर टेक कॉम्पोजिशन जो है बुनियादी तौर पे हमें हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए एक बहुत आसान टूल है और डेल्टन ने ये टूल ख़ुद भी इस्तेमाल किया है डेल्टन की सजेशन ये है कि आपका जो फॉर्मेट है जो भी आप कहानी ले रहे हैं इट इज़ गुड कि वो डिजिटल फॉर्मेट ही हो और डिजिटल फॉर्मेट होने के लिए आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं या अगर आपके पास वो कहानी डिजिटल फॉर्मेट पर नहीं है जो कहानी भी आपने ली है अगर कोई लोकल कहानी है या कोई ऐसी कहानी है जो से इलाके के इम्पॉर्टेंट फॉक टेल है लेकिन आपको डिजिटली अवेलेबल नहीं है तो आप उसे खुद भी टाइप कर सकते हैं अगर आप टाइप नहीं करना चाह रहे तो डेफ़िनेटली आप उसको स्कैन कर सकते हैं और दूसरी चीज़ यह है कि अगर हम डिजिटली जाके कहानियों को देखें तो बेतहाशा कहानियाँ जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं डिजिटल कहानी का फ़ायदा ही होता है कि वो हाईलाइट हो सकती है आ, वो अंडरलाइन हो सकती है आ, उसके अंदर डिक्शनरी के ए, सिंपल पीडीएफ के अंदर और आपके पीपीटी के स्लाइड्स के अंदर भी ये सारे गैजेट्स मौजूद होते हैं और उनके आसानी होती है उसको स्कैन करने में उसको कॉपी पेस्ट करने में उसकी इलस्ट्रेशन को डिफरेंट गैजेट्स के अंदर इस्तेमाल करने में तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं अगर डिजिटल हमारे पास बुक्स नहीं है तो हम किताबों की शॉर्ट स्टोरीज़ को टाइप भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं लेकिन आप जो भी करने जा रहे हैं पर ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपने जहाँ से भी स्कैन की है आपने उसका रेफरेंस ज़रूर देना है रेफरेंस देने का मतलब है एक नॉलेज करना कि ये बुनियादी तौर पे आर्ट वर्क किसका है ये किसकी कंट्रीब्यूशन है और बच्चों को यह हमें बहुत छोटी ऐसे सिखाना है कि हम दूसरों की चीज़ों को खुद अपने नाम से ओन नहीं कर लेते बल्कि रेफरेंस देते हैं ताकि पता चले कि ये इस बंदे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उसकी कंट्रीब्यूशन है इसके अलावा जब हम इस्ट्रेशन को स्कैन कर रहे होते हैं या हम गूगल पर जाते हैं और मल्टीपल इलस्ट्रेशन देख देख रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये मुमकिन है कि आपकी किताब के अंदर जो इलस्ट्रेशन मौजूद हैं वो ब्लैक एंड वाइट हों और जब आप गूगल करें तो आपको कलर और ज़्यादा ब्राइट और ख़ूबसूरत एलिट्रेशन मिल जाएँ तो याद रखिए जब आप उन उनस्ट्रेशन को लेते हैं तो उनका भी रेफरेंस देना जरूरी है एक ऑब्जेक्टिव जो है हमारी क्लोज रीडिंग का वो एग्ज़ामिन करना है कि ऑथर ने क्या कहा है और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इलस्ट्रेशन में आर्टिस्ट ने कितने बेहतरीन तरीके से ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट किया है सो so, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं हमें मिल जाती हैं जब हम आ, ग्राफिक्स में आ, जाते हैं और ग्राफिक्स के अंदर हम डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स को हाइपर कर देते हैं अब टीचर को चाहिए ये कि आज जब वो पावर पॉइंट प्रजेंटेशन बना रहे होते हैं वो इन तस्वीरों को ना सिर्फ पावर पॉइंट के अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं बल्कि इनके लिंक्स भी बना सकते हैं अब बच्चे क्या करते हैं बच्चे जब आपके साथ इसमें क्लोज रीडिंग करेंगे और क्लोज़ रीडिंग के बाद जब आप उनको ये ग्रुप एक्टिविटीज़ देंगे या इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ देंगे जिसके अंदर उन्होंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स में जो हाइपर लिंक्स मौजूद हैं उनको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जहाँ रिमार्क्स का ऑप्शन आएगा वहाँ आपने रिमार्क्स देने हैं आपने जो सवालत पोट किए हैं उन सवालों के जवाब देने हैं इस तरीके से वो इस लिंक को इस टैक्स को हाइपर टेक्स खुद ही क्रिएट कर लेंगे ना सिर्फ उनकी टैक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी होगी बल्कि उनको गैजेट्स का कर इस्तेमाल करना भी आ जाएगा